एक पिना का डायग्राम है जिसके सब पार्ट्स हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक पिना है उसका आउटर कवरिंग होती है, यानी आउटर, ये आउटर लाइनिंग है रिंग नुमा, ये आउटर लाइनिंग जिसको हमने क्या बोला, हेलिक्स। तो हेलिक्स पार्ट है वो एक तरह से आउटर कवरिंग या आउटर लाइनिंग है, इसको हमने क्या बोला, हेलिक्स। और हेलिक्स के अंदर एक सब रिंग और है, इस रिंग को बोला एंटी हेलिक्स। तो हेलिक्स पार्ट आउटर कवरिंग हो रही है और एंटी हेलिक्स पार्ट एक तरह से इनर वाली कवरिंग। तो एक इनर रिंग बन रही है उसको तो बोला एंटी हेलिक्स, और एक आउटर रिंग बन रही है उसको बोला हमने हेलिक्स पार्ट। इसके बाद में ये एक डिप्रेस्ड पार्ट है पिना का, सेंटर में डिप्रेस्ड पार्ट है, उस डिप्रेस्ड पार्ट को हमने बोला कोनका। तो कोनका कौन सा पार्ट होता है, डिप्रेस्ड पार्ट। अच्छा, यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि एक पर्सन के अंदर, एक पर्सन के अंदर जो पिना होता है या फिर कोनका होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसका मेन फंक्शन होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, एक तरह से सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, कौन का। तो कौन का डिप्रेस पार्ट होता है उसको कौन का बोलते हैं। और इसके अलावा एक एलिवेटेड पार्ट होता है, ठीक है, पिना का एलिवेटेड पार्ट होता है उसको हमने क्या बोला, ट्रेगस। और ट्रेगस के जस्ट अपोजिट एक एलिवेटेड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एंटी ट्रेगस। और सबसे लोअर पार्ट होता है जिसको हमने बोला लोब्यूल्स। तो एक पिना के ये सब पार्ट्स हैं कि आउटर रिंग को क्या बोला, हेलिक्स, हेलिक्स के अंदर एक स्मॉल रिंग और है जिसको हमने बोला एंटी हेलिक्स, डिप्रेस पार्ट को क्या बोला, कॉनका, और एलिवेटेड पार्ट को हमने क्या बोला, पिना के एलिवेटेड पार्ट को हमने ट्रेगस, और ट्रेगस के जस्ट सामने एंटी ट्रेगस, और लोअर पार्ट ऑफ पिना को क्या बोला हमने, लोब्यूल्स। तो हम बता सकते हैं कि कॉनका का है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यूज करवाते हैं, ट्रेगस हमने देख लिया कि ट्रेगस एनजी ट्यूब को मेजर करवाने में यूज करवाते हैं, और ईसीटी के इलेक्ट्रोड्स यूज करवा प्लेस करते हैं तभी ट्रेगस का यूज करवाया जाता है। और इस कोनका से ही कौन सी कैनाल स्टार्ट होती है, ईयर कैनाल। तो गाइस ये सिंपल सा डायग्राम है, इजीली समझ में आ जाएगा, अंडरस्टूड आई थिंक। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेवलपमेंट ऑफ पिना। एक पिना डेवलप्ड कब हो जाता है, एक पिना डेवलप्ड होना कब स्टार्ट हो जाता है, बिगनिंग ऑफ पिना ड्यूरिंग द गेस्टेशन, गेस्टेशन के दौरान सिक्स वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी कि सिक्स वीक से कौन सा पार्ट स्टार्ट होने लग जाता है, पिना वाला पार्ट सिक्स वीक से डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और एक पिना डेवलप्ड कब हो जाता है, 20th वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी 20 वीक के ऊपर एक बेबी के अंदर पिना होता है वो डेवलप्ड हो जाता है, और एक पिना होता है वो बिगनिंग कब हो रहा है, सिक्स वीक्स। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है कि बिगनिंग कब हो रही है, सिक्स वीक ऑफ गेस्टेशन पे, और कंप्लीट कब हो रहा है पिना, 20th वीक ऑफ गेस्टेशन पे कंप्लीट हो रहा है। यस गाइज, ओके, तो ये वाला पिना वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं एक्सटर्नल ईयर का, एक्सटर्नल एकोस्टिक का और ऑडिटरी कैनाल्स, एक्सटर्नल एकोस्टिक एंड ऑडिटरी कैनाल्स। यानी ये वाला पार्ट था पिना, और इस पिना का डिप्रेस पार्ट था जिसको हमने बोला कोनका। इस कोनका से केनाल अराइज होती है, जिसके केनाल को हम बोलते हैं एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल। इस केनाल को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल। और एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल कहां तक होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक होती है, ये अंदर है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक्सटेंड फ्रॉम द कोनका टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी कि कोनका से लेकर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच में एक केनाल होती है, जिस केनाल को बोलते हैं एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल। यस गाइस, एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल की लेंथ कितनी होती है, एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल की लेंथ 24 mm होती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है रायपुर एम्स के अंदर, एक पर्सन के अंदर एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल की लेंथ कितनी होती है, 24 mm, यानी 24 mm किसकी लेंथ मानते हैं, एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल की लेंथ मानते हैं। एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल होती है वो कैसे शेप की होती है, एस शेप, यानी ये कैनाल स्ट्रेट नहीं होती है, ये कैनाल एस शेप की होती है। और एस शेप कैसे लेती है,
क्योंकि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है इसका आउटर पार्ट और दूसरा होता है इसका इनर पार्ट। आउटर पार्ट है जैसे ये केनाल है, एक्सटर्नल अकोस्टिक केनाल है, इसका ये आउटर पार्ट है। ये आउटर पार्ट पहले ऊपर की तरफ मूव करता है यानी अपवार्ड होता है, उसके बाद में पीछे की तरफ डिप्रेस होता है यानी बैकवार्ड होता है, इसके बाद में ये मीडियली आ जाता है यानी अपवार्ड, बैकवार्ड और मीडियली इस प्रकार से मूव करता है। तो आउटर पार्ट होता है वो अपवार्ड और बैकवार्ड और मीडियली मूव करता है। इसके अलावा कंटिन्यूस का इनर पार्ट क्या करता है, डाउनवार्ड, फॉरवार्ड और मीडियली मूव करता है। इस प्रकार से ये क्या बन जाती है, इसकी एक एस शेप बन जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल एकोस्टिक केनाल की शेप कैसी होती है, एस शेप की होती है। ये एस शेप की इसलिए होती है क्योंकि इसका आउटर पार्ट होता है वो अपवार्ड, बैकवार्ड और मीडियली मूव करता है, और इसका इनर पार्ट होता है वो क्या करता है, डाउनवार्ड, फॉरवार्ड और मीडियली मूव करता है। इस प्रकार से ये मूव होने के कारण एक्सटर्नल एकोस्टिक केनाल कैसी शेप की हो जाती है, एस शेप की हो जाती है। यानी स्ट्रेट इसलिए नहीं होती है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल इजीली क्या नहीं हो जाए, उसमें इंसर्ट नहीं हो जाए, इसलिए कैसी शेप में देखने मिलती है हमको, एस शेप में देखिए। याद रहेगा पर्सन के अंदर एक एस शेप का स्ट्रक्चर किसको बोला, एक्सटर्नल एकोस्टिक केनाल को बोला। इसके अलावा एक पर्सन के अंदर जो एक्सटर्नल एकोस्टिक केनाल होती है वो कितने लेंथ कितनी होती है उसकी, तो हम बोल सकते हैं 24 mm इसकी क्या है, लेंथ होती है। यस गाइस, याद रहेगा। अब इसको हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं। एक डायग्राम में दिखाया गया है कि ये कोनका वाला पार्ट है जो पीना वाला पार्ट है, जो एक्सटर्नल पार्ट एक्सटर्नल ईयर है जो पीना वाला पार्ट है, इससे लेकर टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के बीच वाली केनाल को कौन सी केनाल बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल्स कोनका से लेकर टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के बीच वाली केनाल होती है। यस गाइस, इसका सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि इस केनाल की लेंथ कितनी होती है, तो हम बता सकते हैं इस केनाल की लेंथ होती है 24 mm। 24 mm किसकी लेंथ मानते हैं, एक्सटर्नल एकोस्टिक केनाल की लेंथ। एक्सटर्नल एकोस्टिक केनाल के दो पार्ट्स होते हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहला है कार्टिलेजिनियस पार्ट और दूसरा कौन सा है, बोनी पार्ट। तो देखो कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है वो एक्सटर्नल एकोस्टिक केनाल का कितना पार्ट मानते हैं, 1/3 पार्ट। यानी ये एक एकोस्टिक केनाल है, इसको यदि तीन भागों में डिवाइड करें तो स्टार्टिंग का जो 1/3 वाला पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, दिस इज द कार्टिलेजिनियस पार्ट। तो कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है वो आउटर 1/3 पार्ट होता है। अब देखो टोटल लेंथ इसकी 24 mm है, तो 1/3 कितनी होगी, 8 mm। 8 mm का कौन सा पार्ट हो गया, ये आउटर वाला पार्ट हो गया। अब देखो इस आउटर वाले पार्ट में कार्टिलेजिनियस होने के कारण ये बहुत ज्यादा थिक होता है, ये बहुत ज्यादा थिक होने के कारण इसमें कुछ ग्लैंड पाए जाती हैं, जैसे यहाँ पे हेयर सेल्स होती हैं, इसके अलावा सेरुमेनियस ग्लैंड पाई जाती हैं और सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती हैं। तो सेरुमेनियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड और हेयर सेल्स आउटर 1/3 पार्ट में पाई जाती हैं, और ये जो सेरुमेनियस और सेबेसियस ग्लैंड होती हैं ये सिक्रेशन करती है किसका, वेक्स का। और वेक्स क्या करता है कि फॉरेन पार्टिकल्स को यहाँ पे क्या अडहर कर लेता है, जिससे आगे की तरफ टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन क्या नहीं होती है, डैमेज नहीं होती है। इसलिए 1/3 पार्ट होता है वो थिक पार्ट होता है, और उसमें कौन सी ग्लैंड होती हैं, सेरुमेनियस और सेबेसियस ग्लैंड होती हैं जो वेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। यस गाइस, नेक्स्ट सेकेंड वाला पार्ट है बोनी पार्ट। ये बोनी पार्ट है जिसके अंदर आर एरियाज के अंदर बोन्स अराइज होती हैं, स्किन थिन हो जाती है, तो स्किन थिन केनाल होती है, स्किन थिन होने के कारण। और कितना पार्ट होता है, पूरी केनाल का 2/3 पार्ट होता है, और इसकी लेंथ होती है 16 mm, क्योंकि 8 mm कौन सी हो गई थी, आउटर 1/3, तो इनर 2/3 कितनी होगी, 16 mm हो गई। और इस केनाल के अंदर भी हेयर सेल्स और सेरोमेनियस ग्लैंड होती हैं, ये भी वेक्स का सिक्रेशन करती है। तो इस प्रकार से एक्सटर्नल एकोस्टिक केनाल के दो पार्ट्स होते हैं, 1/3 पार्ट होता है कार्टिलेजिनियस पार्ट जिसमें ग्लैंड होती है, और इन ग्लैंड का काम होता है वेक्स का फॉर्मेशन। यस क्लियर। और सेकेंड वाला होता है बोनी पार्ट जो 2/3 होता है, 16 mm इसकी लेंथ होती है, थिन होता है, इसमें भी हेयर सेल्स होते हैं लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ज्यादा आउटर वाले पार्ट में होती है,
क्योंकि आउटर वाला पार्ट ज्यादा वेव्स का फॉर्मेशन करता है तो फॉरेन पार्टिकल्स को वहीं पे अडेयर कर लेता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल के इन्फेक्शन होते हैं वो कौन से आउटर पार्ट में होते हैं, यानी जो स्टेफिलोकोकस के इन्फेक्शन होते हैं वो आउटर पार्ट में इसलिए होते हैं कि वेक्स होता है उनको क्या कर लेता है वहीं पे अडेयर कर लेता है और वो वहीं पे क्या कर लेते हैं ग्रोथ कर लेते हैं, इसलिए आउटर पार्ट में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। यस गाइस, ओके कंटिन्यू, नेक्स्ट बात करते हैं। इसी की दो इंपॉर्टेंट बात है कि एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एक फिटस के अंदर कब बनना स्टार्ट हो जाती है, तो एक एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल फिटस के अंदर 8 वीक के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी गेस्टेशन के 8 वीक पे कौन सी कैनाल बनना स्टार्ट हो जाती है, एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल। ये एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल कंप्लीट कब बन जाती है, यानी 28 वीक के ऊपर ये कैनाल कंप्लीट बन जाती है और 8 वीक पे ये कैनाल क्या होती है बनना स्टार्ट होती है। तो हम लोग पहले देखा पिना कब बन रहा था, 6 वीक पे बनना स्टार्ट होता, 20 वीक पे बन गया था, याद रहेगा। और सेकंड वाली बात है कि एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल 8 वीक पे बनती है और 28 वीक पे क्या हो जाती है कंप्लीटली बन जाती है, याद रहेगी। एक्सटर्नल ईयर का थर्ड वाला पार्ट, पहला पढ़ा था हमने पिना वाला पार्ट, दूसरा पढ़ा था एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल और तीसरा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्या बोल सकते हैं, ड्रम हेड, इसको ड्रम हेड भी बोलते हैं क्योंकि जो बाहर से साउंड रिसीव करती है तो इसमें वाइब्रेशन आते हैं और वाइब्रेशन के कारण इसको क्या बोलते हैं, ड्रम हेड बोला जाता है। तो अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्या बोल सकते हैं, हम ड्रम हेड बोल सकते हैं। अब देखो ये था पीना वाला पार्ट और उसके बाद में कैनाल थी एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल और एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल के बाद में कौन सा पार्ट था, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो देखो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल और इसके आगे मिडल ईयर है, इसके बीच में जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल और मिडल ईयर के बीच में पाई जाती है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मिडल ईयर के बीच में पाई जाती है। अभी इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि एक पर्सन के अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की लेंथ कितनी होती है, ये बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की लेंथ होती है 9 से 10 mm। तो एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की लेंथ कितनी मानते हैं, हम 9 से 10 mm इसकी लेंथ मानते हैं। इसकी विड्थ कितनी मानते हैं, वाइड कितनी होती है, 8 से 9 mm ये वाइड होती है। और इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसकी थिकनेस होती है 0.1 mm। तो गाइस याद रखना कि 9 से 10 mm क्या ये वाइड है, 8 से 9 mm क्या ये, 9 से 10 mm ये क्या है लेंथ टेल है और 8 से 9 mm क्या ये वाइड है और 0.1 mm क्या ये थिक है। ओके, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वो हमारी बॉडी की एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर तीनों जर्मिनल लेयर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जिसमें अंदर तीनों जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं, तो वो तीनों जर्मिनल लेयर कौन सी मेम्ब्रेन में पाई जाती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में पाई जाती है। ये वाली टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का बाहरी पार्ट होता है आउटर जो स्किन से कवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एपिथीलियल लेयर। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो बाहरी पार्ट है वो किससे बना हुआ होता है, एपिथीलियल से, और एपिथीलियल कौन सी जर्मिनल लेयर से बनती है, एक्टोडर्म से बनती है। यस, सेकंड वाली पार्ट बात करते हैं, सेकंड लेयर है इसकी जिसको बोलते हैं मिडल, जो मिडल वाली बीच वाली लेयर है, ये बीच वाली लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं फाइब्रस लेयर। तो एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच वाली लेयर को बोलते हैं फाइब्रस और ये फाइब्रस लेयर होती है वो मीजोड्रम से बनती है। तो फाइब्रस लेयर मीजोड्रम से बनती है, इसके बाहर स्किन लेयर होती है जिसको बोलते हैं एपिथीलियल लेयर, ये किससे बन रही है, एक्टोड्रम से, और सबसे अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस लेयर होती है, ये म्यूकस लेयर किससे बनती है, एंडोड्रम से बनती है। तो एक एंडोड्रम से बनने वाली इनर लेयर को क्या बोलते हैं, म्यूकोसल लेयर। मिडल लेयर होती है फाइब्रस लेयर जो किससे बनती है, मीजोड्रम से, और सबसे बाहर एपिथीलियल लेयर होती है जो किससे बनती है, एक्टोड्रम से। तो तीनों जर्मिनल लेयर से बनने वाली मेम्ब्रेन कौन सी,
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की लेंथ कितनी होती है, 9 से 10 mm। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन जो तिरिनो जर्मिनल लेयर से बनती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, अब देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ मिलके कितने डिग्री का कोण बनाती है, 55 डिग्री का कोण बनाती है, या 55 डिग्री का एंगल किसके साथ बनाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कभी भी क्या नहीं होती है, स्ट्रेट नहीं होती। एक तरह से जैसे ये है हमारी एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल, इसमें कभी भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, हमेशा टेंट होती है, थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई होती है। तो इस प्रकार से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, और ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 55 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ 55 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, ये स्ट्रेट इसलिए नहीं होती है कि कई बार क्योंकि पर्संस के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स यहाँ पे लोड हो जाते हैं आगे, अब इन फॉरेन पार्टिकल्स को मूव करवाना यहाँ से, तो यहाँ से इसके अपर पार्ट से इरीगेशन करवाते हैं, और इरीगेट करवा के ये फॉरेन पार्टिकल्स जो लॉर्ड्स हो गए इनको वापस क्या करता है, बॉडी से इस वाले पार्ट से बाहर निकाला जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये नेचुरली होती है, ये 55 डिग्री का कोण होना क्या है, नेचुरल है। क्योंकि ये नहीं होगा तो हम जब इरीगेशन करेंगे ईयर को, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, इस पर टकराएगा और टकरा के वापस मूव कर जाएगा। इसलिए फॉरेन पार्टिकल्स ईयर से क्या नहीं होंगे, वापस बाहर मूव नहीं होंगे। इसलिए नेचुरली जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल के साथ 55 डिग्री का एंगल बनाती है, जिससे फॉरेन पार्टिकल इजीली क्या हो जाते हैं, यहाँ से मूव हो जाते हैं। इस प्रकार से ये नेचुरली डेवलप होती है। यस गाइज, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस है या केनाल है, उसके सराउंडिंग ऑर्गन्स या रिलेशन ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, ये एक हमने माना ये पीना वाला पार्ट है, पीना वाला पार्ट से केनाल बनती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक केनाल। इस एक्सटर्नल एकॉस्टिक केनाल के अपर पार्ट यानी सुपीरियरली मिडल क्रेनियल फोसा अराइज होती है, अपर पार्ट के अंदर मिडल क्रेनियल फोसा है उससे रिलेटेड होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल एकॉस्टिक केनाल का पोस्टीरियर यानी पीछे की पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं मास्टॉइड की एयर सेल्स होती हैं। ये मास्टॉइड की एयर सेल्स एक्सटर्नल एकॉस्टिक केनाल के पीछे की तरफ होती हैं, ऊपर सुपीरियरली क्या होती हैं, मिडल क्रेनियल फोसा प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियर इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, स्पेशल ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड है वो हमारे एक्सटर्नल एकॉस्टिक केनाल के इंफीरियरली प्रेजेंट होती है। और इसके बारे में बात करें कि ऐसे कौन से इन्फेक्शन के अंदर पैरोटिड ग्लैंड वो इंप्लांट हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, तो मम्स के इन्फेक्शन के अंदर कौन सी ग्लैंड है वो इंप्लांट देखने को मिलती है, पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि सबसे या लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी मानते हैं, पैरोटिड ग्लैंड मानते हैं, और पैरोटिड ग्लैंड को हम सीरस ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको तीन बातें और याद रखनी है कि मम्स के इन्फेक्शन में लार्ज होने वाली ग्लैंड कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। सबसे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी होती है, तो सबसे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड है, और सीरस ग्लैंड कौन सी होती है, ये भी पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो पैरोटिड ग्लैंड है वो एक्सटर्नल एकॉस्टिक केनाल की इंफीरियर होती है, और इसके सामने यानी एंटीरियरली एक्सटर्नल एकॉस्टिक केनाल के सामने एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, एक जॉइंट होता है जिसको बोलते हैं टेम्पोरोमेंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमेंडिबुलर जॉइंट एक्सटर्नल एकॉस्टिक केनाल के सामने होता है। तो ये इसके चारों रिलेशन है, सुपीरियरली क्या हो गया, मिडल क्रेनियल फोसा हो गया, पीछे की तरफ कौन सी सेल्स अराइज हो रही हैं, मास्टॉइड एयर सेल्स जिसको, या फिर इसके अलावा फेशियल नर्व भी प्रेजेंट होती है, इंफीरियरली प्रेजेंट होती है पैरोटिड ग्लैंड, एंटीरियरली प्रेजेंट होती है टेम्पोरोमेंडिबुलर जॉइंट। ये इसके रिलेशन होते हैं, एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल के रिलेशंस हैं। इसके बाद में बात करते हैं नर्वस सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के अंदर नर्वस सप्लाई, जैसे ये सबसे बाहर वाला पार्ट पीना बोला, इस पीना वाले पार्ट को नर्वस सप्लाई करती है ग्रेटर ओरिकुलर नर्व। ग्रेटर ओरिकुलर नर्व किसको सप्लाई करती है, पीना वाले पार्ट को नर्वस सप्लाई करती है। इसके अलावा जो अंदर वाला पार्ट है एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल है, उस एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल की ये जो लोअर वाला पार्ट है इसको बोला पोस्टीरियर वाला, ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है,
और ये ऊपर की तरफ आगे की तरफ इंटीरियर वाला पार्ट। तो जो इंटीरियर वाला पार्ट है, इस इंटीरियर वाले पार्ट के अंदर नर्व सप्लाई वॉल और रूफ को सप्लाई करती है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पर्सन के अंदर इंटीरियर रूफ और वॉल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो इंटीरियर वॉल और रूफ को सप्लाई करने वाली नर्व होती है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, ये ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को भी सप्लाई करती है। देखो हम डायग्राम से देखते हैं कि ये वाला पीना वाला पार्ट है, इससे केनाल निकलती है जिसको एक्सटर्नल एकॉस्टिक केनाल बोला, और इसके बाद में ये मेम्ब्रेन अराइज होती है जिसको बोलते हैं हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है सेकंड एक्सटर्नल एकॉस्टिक केनाल। तो एक्सटर्नल एकॉस्टिक केनाल के अंदर जो फर्स्ट अपर पार्ट है इंटीरियर वॉल एंड रूफ, इंटीरियर वॉल एंड रूफ है, इसके अंदर जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व इंटीरियर वॉल और रूफ को नर्व सप्लाई करती है। इसके अलावा इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर वॉल एंड रूफ को जो सप्लाई हो रही है वो सप्लाई करती है इसके अंदर ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। तो ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस इसके पोस्टीरियर वॉल एंड रूफ को करती है, जबकि इसके अलावा इसके अपर पार्ट या इंटीरियर और इंटीरियर वॉल और रूफ को सप्लाई कर रही है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो देखो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व आगे भी जाती है, और ये कहाँ तक जाती है, ये अपर इंटीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल, टेम्पोरल नर्व इंटीरियर पार्ट ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो यही नर्व किसको सप्लाई करती है, टेम्पोरल ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को नर्व सप्लाई करती है। तो इसके इंटीरियर वॉल और रूफ को नर्व सप्लाई करती है ओरिकुलो टेम्पोरल, और यही आगे एक्सटेंड हो जाती है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के इंटीरियर हाफ पार्ट को भी क्या करती है, सप्लाई करती है। इसी के अलावा पोस्टीरियर वॉल एंड रूफ, पोस्टीरियर वॉल एंड रूफ को सप्लाई कर रही है ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, वेगस की ओरिकुलर ब्रांच पोस्टीरियर वॉल और रूफ को नर्व सप्लाई कर रही है, और ये नर्व भी आगे एक्सटेंड होती है और इसके पोस्टीरियर हाफ पार्ट को, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पोस्टीरियर हाफ पार्ट को क्या करती है, ये भी इसको सप्लाई करती है। और इसका जो मिडल वाला पार्ट होता है इसके अंदर कुछ फाइबर्स लेयर, फाइबर्स नर्व होती है जो फेशियल की ब्रांच होती हैं वो भी इसको सप्लाई करती है। तो एक तरह से हमने देखा कि एक पर्सन के अंदर इंटीरियर वॉल एंड रूफ को सप्लाई कर रही है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, पोस्टीरियर वॉल एंड रूफ को सप्लाई कर रही है कौन सी, ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, और इसके पोस्टीरियर वॉल और ऑडिटरी कैनाल्स, पोस्टीरियर वॉल और ऑडिटरी कैनाल्स को सप्लाई कर रही है फेशियल नर्व, और इस फेशियल नर्व के फाइबर आगे तक जाते हैं और इसके जो सेंटर वाला पार्ट बच जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, उसको भी कौन सी नर्व सप्लाई करती है, फेशियल नर्व सप्लाई करती है। तो इस प्रकार से जो ऑडिटरी कैनाल्स को नर्व सप्लाई कर रही है वही ब्रांच नर्व फाइबर्स हैं आगे जाके किसको सप्लाई कर रहे हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। यस गाइस, तो इसमें देखते हैं आगे कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर हमने देखा कि इंटीरियर हाफ ऑफ लेटरल सरफेस को कौन सप्लाई कर रहा है, जैसे ये हमारे पास टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के इस इंटीरियर वाले पार्ट को सप्लाई कर रही है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, इसके पोस्टीरियर हाफ पार्ट को सप्लाई कर रही है ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, और इसके मीडियल सरफेस को सप्लाई कर रही है कौन सी ब्रांच, टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल, जो 9th नंबर की क्रेनियल नर्व है वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है जो इसके मीडियल पार्ट को सप्लाई करती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के मीडियल पार्ट को सप्लाई करती है जिसको बोलते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल, ये टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल है, और इसको दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं जैकॉबसन नर्व, ये साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो आपको आगे तक याद रखना है कि जैकॉबसन नर्व कौन सी नर्व को बोलते हैं, दिस आर ग्लॉसोफेरेंजियल 9th नंबर की नर्व है उसको हमने क्या बोला, जैकॉबसन नर्व बोला। तो इस प्रकार से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को नर्व सप्लाई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो, जैसे ये था हमारा पिना और इसके बाद में एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल और ये वाला पार्ट था टिम्पेनिक मेम्ब्रेन।
एक्सटर्नल एकोस्टिक केनाल से साउंड को क्या करना है, रिसीव करेगी। जैसे एक्सटर्नल एकोस्टिक केनाल के साउंड को रिसीव करेगी तो इस मेम्ब्रेन में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। इसीलिए इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ड्रम हेड बोलते हैं। तो ड्रम हेड बोलने का कारण है कि जब साउंड को रिसीव करेगा तो इसमें वाइब्रेशन होंगे और इन वाइब्रेशन साउंड को ये ट्रांसमिटेड करती है किसके अंदर, ईयर ओसिकल्स, ईयर ओसिकल्स या मिडल ईयर के। तो मिडल ईयर के अंदर ये क्या कर देती है, साउंड को आगे ट्रांसमिटेड कर देती है और पर्सन के अंदर ये साउंड होती है आगे की तरफ एम्पलीफाई होती रहती है। तो ईयर ओसिकल्स का काम होते हैं साउंड को क्या करना, एम्पलीफाई करना। देखो इसमें हमने डायग्राम के द्वारा देखा है कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो एक साउंड की वेवलेंथ को क्या कर देती है, कम कर देती है। यानी कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है इससे पहले की जो केनाल होती है वो इतनी वाइड होती है कि जो साउंड होती है वो एक तरह से ज़्यादा वेवलेंथ में आती है जबकि फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इस वेवलेंथ को तो क्या कर देती है, जैसे ये वेवलेंथ स्टार्टिंग में इतनी थी, ये वेवलेंथ धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन देखो मेन चीज़ ये है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, क्योंकि ये जो साउंड था वो एयर के अंदर था, एयर के अंदर साउंड क्या होती है एक तरह से ज़्यादा होती है, जबकि इसी साउंड को हम फ्लूड के अंदर इन्वॉल्व करवा रहे हैं तो ये साउंड किस में हो जाएगी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी में हो जाएगी। तो हमेशा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किसको बढ़ाता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, जबकि वेवलेंथ को हमेशा क्या करता है, कम करता है। और इन्हीं दोनों चीज़ों को हम बोलते हैं एम्पलीफाई। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किसका काम करती है, एम्पलीफिकेशन का, एक ही साउंड को एम्पलीफाइंग करने का काम कौन करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन करता है। और हमारे ईयर के अंदर एक साउंड को 22 टाइम एम्पलीफाई करता है ईयर, एक ईयर होता है वो 22 टाइम एक साउंड को एम्पलीफाई करता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि एक ईयर होता है वो किसी भी साउंड को कितने टाइम एम्पलीफाई करता है, तो 22 टाइम्स क्या करता है, ये एम्पलीफाई करता है। सेकंड बात ये होती है कि एम्पलीफाई के अंदर किसकी इंटेंसिटी बढ़ाती है, एम्पलीफाई के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है, इसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसके अंदर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी याद रखना, कभी भी इसके अंदर वेवलेंथ या फिर अदर साउंड प्रोड्यूशन होता है वो नहीं देखने को मिलता, ओनली फ्रीक्वेंसी होती है वो इसके अंदर बढ़ती है। तो फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी अराइज होती है और एम्पलीफिकेशन का काम कौन करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन करती है। यस गाइस, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्या बोल सकते हैं, ईयर ड्रम। अब देखो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो दो टाइप की होती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है जिसको पहला टाइप हमने बोला पार्स टेंसा, तो पार्स टेंसा, और सेकंड वाला होता है पार्स प्लेसिडा। पार्स टेंसा और पार्स प्लेसिडा, तो पार्स टेंसा का मतलब टेंस, यानी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसका जो लोअर पार्ट है वो टेंस होता है, मतलब खिंचावा होता है। और ये खिंचावा किसके द्वारा होता है, इस मेलियस का एक हेड होता है जो इस पोस्टीरियर या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे की तरफ आके अटैच होता है और उस हेड के द्वारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या कर ली जाती है, पुल कर ली जाती है। जैसे इस प्रकार से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऐसे स्ट्रेट नहीं होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अंदर से ऐसे मूव की हुई होती है, लाइक एज ए कॉनकेव से, यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कॉनकेव से में होती है, स्ट्रेट नहीं होती है, ऐसे ऐसे होती है कॉनकेव, और इसको पीछे की तरफ कौन खिंचा रहता है, ये मेलियस का हेड है वो पीछे की तरफ इसको पुल किए रहता है, और उस पुल के वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, उम्बो। तो उम्बो किस पार्ट को बोलते हैं, कि जो मेलियस का हेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे आके अटैच होता है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को टेंस रखता है, उस पार्ट को हम उम्बो बोलते हैं। और इस वाले सबसे ज़्यादा पार्ट होता है उसको पेरस टेंसा। तो पेरस टेंसा से सबसे ज़्यादा कौन सी पार्ट बना होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का सबसे ज़्यादा पार्ट बना होता है। इसके अलावा ये खिंचा हुआ पार्ट है और ये लूज पार्ट है। इस लूज पार्ट को हमने बोला पार्स प्लेसिडा। तो पार्स प्लेसिडा वाला पार्ट लूज होता है जबकि पार्स टेंसा वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, टेंस होता है, खिंचा हुआ पार्ट होता है। इससे जब साउंड इसके ऊपर आके टकराती है तो ये पार्ट वाइब्रेट होता है और इससे फिर कौन सी बोन वाइब्रेट होती है, मेलियस वाली पार्ट, मेलियस वाली बोन है वो वाइब्रेट होती है। और इसके सराउंडिंग एक थिक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एनुलस बोलते हैं। तो एनुलस होती है वो एक तरह से थिन रिंग होती है
इसके अंदर ये थिन एक तरह से रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल फाइबर होते हैं। ये रेडिकल फाइबर से ये मेम्ब्रेन क्या होती है, टेंस होती है, और टेंस करने के लिए जो मेलियस का हेड है वो उसके साथ अटैच होता है, इसको बोलते हैं उम्बो। तो हम बता सकते हैं कि उम्बो क्या करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को खींचा हुआ रहता है। तो बता सकते हैं कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कितने टाइप की होती है, दो टाइप्स की होती है, एक तो पेस टेंसा और सेकंड पार्स प्लेसिडा वाला, ठीक है। और उम्बो क्या होता है, उम्बो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे मेलियस का हेड आके अटैच होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उम्बो। और इसका हम डिस्क्रिप्शन मिडल ईयर के अंदर देंगे।